वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। मेरा नाम तलवीर सिंह है और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है तो उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी नेट की प्रेपरेशन और भी अच्छे से हो सके। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है एक ऐसी वीडियो है जिसमें मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बट मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मैं काफ़ी टाइम से इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा था। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सी बातें हैं, बहुत सी लॉजिकल बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप नेट एस्पिरेंट हैं या आप अपना नेट नहीं क्लियर कर पा रहे हैं या आपके काफ़ी अटैम्प्ट हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सी ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको नहीं पता होंगी, जो मैंने एक्सपीरियंस की है इस रिगार्डिंग। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि कोचिंग या सेल्फ स्टडी, ये क्वेरी बहुत से स्टूडेंट्स कॉमेंट्स में पूछ रहे थे। मैं इसे पता नहीं किस रीज़न की वजह से डिले कर रहा था, बट रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से मैंने सोचा कि दिस इज़ द राइट टाइम टू अपलोड दिस वीडियो, क्योंकि अभी जो टाइम है वो प्रेपरेशन जोरों से चल रही है बच्चों की और इस टाइम पे जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत जोरों से होती है। प्रेपरेशन भी जोरों से होती है और जो लोगों को लूटा जाता है वो भी जोरों से लूटा जाता है। तो उस चीज़ के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि डू यू वांट टू क्लियर यूजीसी नेट 2018? तो आप सभी का एक ही आंसर होगा कि यस सर, वी वांट टू क्लियर द यूजीसी नेट 2018। मैं भी आपके साथ हूं, मैं भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट दे रहा हूं अपने कि आपके एग्जाम में जितनी हेल्प हो सके वो मैं करूं। तो एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बातें पहले हो चुकी हैं, बट आज हम सिर्फ अपना फोकस सेल्फ स्टडी और कोचिंग का जो धंधा चल रहा है उसके बारे में करने वाले हैं, जिससे कि बहुत से लोग हैं वो अफेक्टेड हो चुके हैं। तो अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आप समझ लीजिए कि आधा एग्जाम तो आपका वैसे ही क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपका माइंड सेट हो जाएगा तो एग्जाम तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो स्पेशली आपका माइंड सेट करने के लिए है। बहुत सी जो आसपास से जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ये कोचिंग के नाम पे या ऑनलाइन क्लासेस, व्हाट्सएप ग्रुप, ये सारी चीज़ों से आपको अवेयर करने के लिए मैं कुछ सुजेशन दूंगा। तो अगर आप ये एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं सारी बातें आपको बता चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम कुछ कोचिंग के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं आपको रीजन बताता हूं कि ये वीडियो मैं क्यों शूट कर रहा हूं। एक रीसेंट एग्जाम्पल है, एक हफ्ता पहले मतलब 6-7 दिन पहले मुझे एक स्टूडेंट का कॉल आया और उसने मुझसे पूछा कि सर, मुझे किसी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं जो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन कोचिंग, तो उन्होंने कॉल किया था और मुझे बोल रहे थे कि आप हमारे कोर्स में इनरोल कर लो। मैंने कहा अच्छा, तो फिर तो वो बोल रहे हैं कि सर, वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट पेपर की आपको प्रेपरेशन करवाएंगे जिसकी फीस है 10,000 रुपीज़ और आपको 100 आवर का हम वीडियो कंटेंट देंगे। मैंने कहा अच्छा, तो तुमने इनरोल किया? तो मुझे बोला कि सर, मैं आपसे ही तो सजेशन लेना चाहता हूं कि मुझे ये एनरोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हो सकता है आप भी इस चीज से गुजरे हों, आपने भी ये चीजें सुनी हों, आपको भी ऐसी कॉल्स आई हों, आपने भी ऐसी वीडियोस देखी हों, कुछ भी हो सकता है जिसमें बोलते हैं कि आप 10,000 में, 11,000 में, 15,000 में हम आपको फर्स्ट पेपर प्रिपेयर करवाएंगे, आपको 100 घंटे का वॉच टाइम देंगे जिसमें आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगी। तो मैंने उससे बोला कि अगर तुम ये वीडियो कोर्स ज्वाइन कर भी लोगे तो क्या तुम्हें गारंटी है, क्या तुम्हें सेटिस्फेक्शन रहेगी कि तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा? मैंने उसे एक सिंपल एग्जाम्पल दी। मैंने कहा देखो, वो तुम्हें 100 घंटे का वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 100 घंटे की वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं और आपकी 10 यूनिट्स हैं, मतलब 10 यूनिट से 10 घंटे एक यूनिट को आप दे रहे हो, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ 100 घंटे पढ़ के फर्स्ट पेपर आप प्रिपेयर कर सकते हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी मैं अपने चैनल की एग्जांपल दूं, मैंने आपको रिसर्च की 18 वीडियोस प्रोवाइड की हैं जिसका जो वॉच टाइम है वो ऑलमोस्ट 14 आवर बनता है, 14 घंटे उसका वॉच टाइम बनता है और अभी भी रिसर्च हमारा 75% हुआ है। इसका मतलब अगर रिसर्च से पूरे के पूरे नंबर, एक वीडियो कोर्स आप लेना चाहते हो जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले,
कि आप एक भी क्वेश्चन उसका मिस ना करो, तो एटलीस्ट 25 से 30 घंटे तो एक सिर्फ रिसर्च के ही बन जाते हैं। तो यही तो सबसे बड़ा रीजन है कि हमें पेपर में जाके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे, देखो ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो फिर दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे या तीन मैक्सिमम। तो मैं सारी बातें डिटेल में इसलिए बताता हूँ कि मैं आपको कम भी पढ़ाऊँ बट जो पढ़ाऊँ एटलीस्ट उसमें से आप क्वेश्चन है जो इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। तो यहाँ पर दूसरी बात है, पहली बात आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी, ये 100 घंटे की या 120 घंटे का जो हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारा एक तरह से कुछ भी नहीं है। ये आपका आपकी मतलब कैरियर को, आपके टाइम को बिल्कुल खराब कर देगा, इसके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। और दूसरी बात, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये सोच के देखिए, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपको पता होगा कि 10,000 रुपये में आपके घर का 2 महीने का खर्चा चल जाता है। 10,000 रुपये निकालने से पहले आप कितनी बार सोचोगे? और आपने अगर दे भी दिया, ट्रस्ट करके इनरोल कर भी लिया, उसके बाद अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो भाई कहाँ पे भरोगे इसको जाके? कहाँ से कंपनसेट करोगे? डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, स्ट्रेस हो जाओगे, टूट जाओगे। तो इन बातों से थोड़ा बचने की जरूरत है। ये एग्जाम्पल रिसेंट है बिल्कुल, हो सकता है आपने भी ऐसी चीजें सुनी हो, तो प्लीज इन बातों से दूर रहें। मैं पहली वीडियो से ही इसके अगेंस्ट हूं, क्योंकि मैंने एक स्टूडेंट नहीं, मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने मोर देन 50 स्टूडेंट्स, अब 50 स्टूडेंट से ज्यादा स्टूडेंट्स से बात की है, जिन्होंने बताया है कि वो ऑनलाइन कोचिंग्स में या ऑफलाइन कोचिंग्स में अपने थाउजेंड्स रुपीज खराब कर चुके हैं और इनका एग्जाम क्लियर नहीं होता। भाई कैसे क्लियर होगा? ऑनलाइन कोचिंग में या ऑफलाइन क्लासेस में होता क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और कि ये जो बेसिक बात मैं आपको बतानी चाहता था, ये एग्जाम्पल वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। कोचिंग और सेल्फ स्टडी, तो देखो कोचिंग पे तो आप क्रॉस लगा दो, बिल्कुल भी नहीं करनी कोचिंग। मैंने आपको पहले बताया था कोचिंग नहीं करनी है, क्योंकि कोचिंग से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो भी मैं बताता हूँ। सेल्फ स्टडी जैसी कोई रीस नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो ना, तो कोचिंग क्या, आप तो मतलब कोई भी एग्जाम बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो। व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, आपके लिए बेस्ट क्या है, क्या है जो आप करो, कोचिंग या सेल्फ स्टडी? तो आप खुद से पूछ के देखो। आप में से भी बहुत से स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कोचिंग में अपना पैसा खराब किया होगा, अपना टाइम खराब किया होगा। इवन के यहाँ पर तो पंजाब में, तो चंडीगढ़ में भी मतलब 15,000 के ऑलमोस्ट है जो वो कोचिंग का लेते हैं। अरे 15,000 में क्या है यार, मैं बोल रहा हूँ आप पियर्सन की बुक लो, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस हैं, कोई भी टॉपिक नहीं समझ आता यूट्यूब से पढ़ो, मेरे चैनल पे है तो वहां से पढ़ो, वहां से नहीं समझ आ रहा तो और बहुत से चैनल है। जब आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो आप क्यों ये 15,000 खराब करोगे? तो प्लीज इस चीज को अपने माइंड में हमेशा रखिएगा, ये किसी भी एग्जाम के लिए हो। कोचिंग उस एग्जाम के लिए लेनी चाहिए जिसमें जिसको आपने पहले कभी पढ़ा ही ना हो। नेट में क्या पूछते हैं आपसे, जो +1 से लेके M.Com तक या अपनी मास्टर ग्रेजुएशन तक पढ़ा है, वो चीजें तो आपने पढ़ी हैं। अगर वही चीजों पढ़ने के लिए आप दोबारा 15 से 20 हज़ार रुपये दे रहे हो, तो ये एक मतलब स्टूपिडिटी नहीं है तो और क्या है? वट कोचिंग विल कॉस्ट यू, अब मैं बताता हूँ कि कोचिंग ज्वाइन करने से क्या क्या नुकसान होने वाला है। वेस्टेज ऑफ मनी, मनी कैसे, 10,000 से कम आपको कोचिंग नहीं मिलेगी फर्स्ट पेपर की, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस का फ्रॉड हो या फिर ऑफलाइन क्लासेस का हो। तो अभी ऑफलाइन है, अगर ऑफलाइन है तो जहां पर जाओगे वहां पर 100 बच्चा बैठा होगा, कैसे पढ़ोगे, AC चल रहा है, वो खर्चे कहाँ से निकालने उन्होंने, वह आपसे ही तो निकालने हैं। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखिए, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो सेल्फ स्टडी करोगे तो घर में कभी भी कर सकते हो, सुबह 3 बजे उठ के कर सकते हो, रात को 2 बजे तक पढ़ सकते हो, तो सेल्फ स्टडी जैसा तो कुछ है ही नहीं है। तो वेस्टेज ना तो टाइम खराब करना है हमने, ना ही पैसा खराब करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है यूर सेल्फ डिपेंडेंस। कोचिंग ज्वाइन करने से आप क्या हो जाओगे, आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आप डिपेंडेंट हो जाओगे। जो आपकी सेल्फ डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगी, आप छोटी छोटी बातों के लिए उनके पास जाओगे, ये नहीं आता वो नहीं आता, जब तक आप में क्रियोसिटी नहीं होगी। अरे सब कुछ तो अवेलेबल है, गूगल है, यूट्यूब है, हर चीज अवेलेबल है, अगर आप उसे सही तरीके से यूज करो। हमने कौन सी कोचिंग ली थी, आप किसी भी बच्चे से पूछ लो, 100 में से आपको मोर देन 90 स्टूडेंट्स बोलेंगे कि उन्होंने सेल्फ स्टडी से ही एग्जाम क्लियर किया है। 5-7% है जो कोचिंग से करते हैं, वो भी इसलिए हो जाता है क्योंकि उन्होंने खुद सेल्फ स्टडी से पहले इतनी प्रेपरेशन की होती है कि उन्हें लगता है कि शायद कोचिंग ज्वाइन करने से उनका जो एग्जाम है वो क्लियर हो गया है। तो कोचिंग, मैं तो पहले ही बोलता हूँ कि दुकानें खुली हुई हैं, बिजनेस बन गए हैं लोगों के, कोई भी बंदा मतलब कोचिंग स्टार्ट कर देता है चाहे उसका अपना लेवल कुछ भी हो। तो इस चक्कर में आप ना फंसो, तो इससे मैं आपको अवेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि
एक सुजेशन है आपको, एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, कुछ भी मान लो, मैं आपको सिर्फ इसके बारे में बताना चाहता हूँ। बाद में डिसीजन आपका है। इस वीडियो से मुझे नहीं पता कि आप इससे एग्री करोगे या नहीं करोगे, बट बहुत दिनों से ये बात मेरे माइंड में थी और मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी इस रिगार्डिंग जो हमारे APJ अब्दुल कलाम सर थे, उनकी जो बायोग्राफी थी उसमें मैंने एक कोट पढ़ी थी, वो मैं आपको बताता हूँ। उस कोट को हिंदी में मैं बताता हूँ। उन्होंने वहाँ पे लिखा था कि अगर एजुकेशन का जो पर्पज़ है वो बना रहे, जो दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को एजुकेट करना, वो बना रहे, तभी वो एजुकेशन रहती है। अगर उस पर्पज़ को वहाँ से निकाल दिया जाए तो एजुकेशन एजुकेशन ना रह के एक बिजनेस बन जाती है। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले कही हुई APJ अब्दुल कलाम सर की बात आज बिल्कुल सही हो रही है। आज एजुकेशन के नाम पे बिजनेस किया जाता है, लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, वो एजुकेशन ना रह के बिजनेस है। वो फिर चाहे ऑनलाइन क्लासेस का हो, ऑफलाइन क्लासेस का हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स का हो, कुछ भी हो, वो आपको डिपेंडेंट नहीं रहने देना चाहते। वो आपको मतलब किसी पे डिपेंड करना, इंडिपेंडेंट नहीं रहना देना चाहते। वो आपको बोलते हैं कि हाँ हमारे पास आओ, हम आपका एग्जाम क्लियर करवाएंगे। तो इस बिजनेस के चक्कर में मत पड़िएगा, मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है। बहुत सी और भी बातें हैं वो बताने वाली हैं, हो सकता है बहुत सी चीजें स्किप हो गई हों, बट जो मेन फोकस है वो मेरा यही है कि इस चीज से जितना अपने आप को बचा सकते हो उतना बचाने की कोशिश कीजिए। वी ऑल आर फैमिली, बिल्कुल। अब हम 15,000 से ऑलमोस्ट ज़्यादा हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर जुड़ गए हैं, तो ये एज अ स्टूडेंट टीचर वाली बात नहीं है। अब आप सभी लोग हमारी एक फैमिली है, ये हम 15,000 लोगों की एक फैमिली बन चुकी है। और एक फैमिली को एक्सप्लाइट होने से बचाना हर बंदे की मॉरल ड्यूटी है, और मेरे लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि मेरी फैमिली से कोई भी बंदा इस चक्कर में ना आए जिसके बाद उसको पछताना पड़े उस चीज़ के लिए, वो पैसे के लिए हो, वो अपने कैरियर के लिए हो, वो अपने टाइम के लिए हो, ऐसा कुछ भी मैं आपको नहीं होने देना चाहता। इसी पर्पज से मैं आपको ये सारी चीजें हैं वो बता रहा हूं। नाउ व्हाट इज योर डिसीजन? ये सारी बातें सुनने के बाद आपका क्या डिसीजन है? मुझे नहीं पता कि आपको ये सही लग रहा है या नहीं, बट फिर भी यहां पर जो आपका डिसीजन है वो मैं कमेंट सेक्शन में पूछना चाहूंगा। आपके अपने एक्सपीरियंस प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत एक करंट टॉपिक है, बहुत बर्निंग इशू है, जिसपे बात होनी चाहिए, बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अदरवाइज तो ये एक्सप्लॉयटेशन ऐसे ही चलती रहेगी, बच्चे एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते रहेंगे, अपने 20-20, 50-50 हज़ार रुपए वो खराब करते रहेंगे, और उसके बाद उनके हाथ भी कुछ नहीं आने वाला। यू नीड मेंटरिंग नॉट कोचिंग, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको मेंटरिंग की जरूरत है, आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। वो मेंटर कोई भी हो सकता है, वो आपका टीचर, वो आपका भाई, वो कोई यूट्यूब चैनल, कुछ भी हो सकता है जो बंदा आपको सही तरीके से गाइड करे। क्योंकि देखो, मंजिल हम पा सकते हैं, बट अगर रास्ता पता हो, बट अगर मंजिल तो पता है बट रास्ता नहीं पता है, तो फिर भटक जाओगे। अगर कोई बंदा आपको मंजिल तक जाने का रास्ता बता देता है तो उसे मेंटर बोला जाता है, वो आपका मेंटर होता है। तो आप किसी भी बंदे को अपना मेंटर बना सकते हो, जहां से आपको सही तरह से गाइडेंस मिलती है। कोचिंग नहीं मिलती, गाइडेंस मिलती है, जो आपको गाइड करता है। क्योंकि कोचिंग में क्या होता है कि कोचिंग में आपकी जो सेल्फ डिपेंडेंस है वो तो खत्म हो जाती है, आप इंडिपेंडेंट नहीं रहते हो, बट मेंटरिंग में क्या होता है, आपको गाइड किया जाता है, आपको काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है, आपको मोटिवेट किया जाता है, जो कि कोचिंग में नहीं होता। कोचिंग में पैसा जाता है, टाइम जाता है, और पूरा फ्यूचर भी चला जाता है। इन लास्ट, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, डिटेल में हर चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की है, फिर भी अगेन आई एम सेइंग कि जो भी डिसीजन लेना चाहिए वो बिल्कुल सोच समझ के लेना चाहिए। मैं आपको किसी भी चीज़ से रोक नहीं रहा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एक वो चीज़ थी जो माइंड में चल रही थी, वो दिमाग में थी कि ये मुझे बात अपनी सारी फैमिली से बतानी है, उनको इसके बारे में अवेयर करना है। उसके बाद जो भी डिसीजन है वो आपका रहेगा, बट कहीं ऐसा ना हो कि 8 जुलाई के बाद वो आपका डिसीजन जो आप लेते हो कोचिंग ज्वाइन करने का, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने का, वो आपको भारी पड़ जाए, और जो आपका टाइम है, मनी है, वो खराब हो जाए, और नेक्स्ट नेट में आपको दोबारा से अटेम्प्ट देना पड़े। बस मैं तो सिर्फ इस फियर से आपको बचाना चाहता हूँ, इस चीज़ से आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि इस चक्कर में आके अपना कैरियर, अपना फ्यूचर, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। लास्ट में एक छोटी सी बात से अपनी वीडियो को ख़त्म करूंगा।
इफ यू आर फुली डिटरमाइंड टू अचीव इट यू विल गेट इट इजीली, इफ यू आर नॉट डिटरमाइंड इवन 100 कोचिंग्स विल नॉट हेल्प यू। ये बात अपने माइंड में लिख लीजिए। अगर आप फुली डिटरमाइंड हो ना कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप बहुत इजीली कर लोगे। बट अगर आपकी डिटर्मिनेशन ही नहीं है ना, आप नहीं करना चाहते, तो भाई 1 या 100 कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो, आप नहीं कर सकते। सारी बात कहाँ पे खत्म होती है? आप पे, आपका डेडिकेशन लेवल, आपका मोटिवेशन लेवल, आपकी वो सारे एफर्ट्स किस लेवल तक जाके आप स्टडी कर सकते हो, किस लेवल तक आप में क्यूरियोसिटी है, आप फुली डेडिकेटेड हो, माइंड सेट है या नहीं है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। क्योंकि अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं, एक प्रॉपर माइंड सेट है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, तो फिर आपको कोचिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। आप इतना, मैं आपको बोल रहा हूं ना कि आप इतने कैपेबल हो कि नेट तो क्या, JRF, IAS, कोई भी एग्जाम आप विदाउट कोचिंग बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो। वो बात, वो आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूं, मुझे किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। हाँ, आई हैव क्लियर माई UGC नेट JRF 2018। तो यही थी आज की वीडियो। मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसा था, कुछ भी नहीं इसके बारे में बोलना चाहता, सिर्फ एक एडवाइस थी। आपको जो भी लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, क्योंकि आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अगेन सेइंग, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि एटलीस्ट जो लोग इस चक्कर में बहुत सा टाइम खराब कर चुके हैं या अभी वो इस चीज़ में जाने वाले हैं, वो इस चीज़ के बारे में ठंडे दिमाग से सोचें कि कहीं वो गलती तो नहीं कर रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच टाइम। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।